हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी के लिए एक और शानदार और ज़बरदस्त सी क्लास लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। आज उसका दूसरा क्लास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए उसको जाकर सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक और ट्रिक्स आपको बताया गया है कि एलसीएम को कैसे आप चुटकियों में निकालेंगे, ऑप्शन देख कर कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है साथियों, तो आज का क्लास शुरू करेंगे हम। आज जो है दूसरा क्लास होगा इसका। सबसे पहले हम देखेंगे होमवर्क का क्वेश्चन, जो कि आपकी पिछली वीडियो का दिया हुआ था। ठीक है साथियों, देखिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या था। 4/8, 2/5 तथा 12/4 का एच सी एफ होगा। ठीक है साथियों, ये क्या है, भिन्नों का आपको एच सी एफ ज्ञात करना है। आज के जो प्रश्न होंगे, आपके सवाल होंगे, वो अभी क्या होंगे, भिन्नों पर आधारित होंगे। उनका भिन्नों का आपको एच सी एफ भी निकालना बताएंगे और एल सी एम भी निकालना बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, और ऑप्शन से बताएंगे, जिससे कि आप ऑप्शन देखते ही बता सके इसका आंसर क्या होगा, जिससे कि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बच सके। ठीक है साथियों, ये क्लास सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि एस एस सी जी डी या ग्रुप डी के लिए ही है। एस एस सी का भी कोई भी एग्जाम हो, जैसे सी एच एस एल हुआ, एम टी एस हुआ, सी जी एल हुआ, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। ये रेलवे का एन टी पी सी हुआ, ग्रुप डी हुआ, इन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, किसी स्टेट का एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका वन डे एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको भिन्न है आपके पास में ये। ठीक है साथियों, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। ठीक है, अंश बटे क्या होगी, हर होगी। यहाँ पे आपसे एच सी एफ पूछा गया है इस प्रश्न में। एच सी एफ के लिए क्या करेंगे आप, अंश का क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, एल सी एम निकालेंगे। ठीक है साथियों, देखिए आपके पास अंश में क्या क्या है, 4 है, 2 है और 12 है। जब आप एच सी एफ निकाल रहे हो तो हमेशा छोटे नंबर की तलाश करें। इन दोनों में, तीनों में जो भी आपके पास नंबर दिए गए हैं, कि इनमें सबसे छोटा कौन है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है, 2 है। इससे चेक करें क्या ये सभी नंबर जितने भी बाकी हैं, इससे क्या ये कट रहे हैं। देखिए 4 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, यानी कि आपका एच सी एफ कितना हो जाता है, 2। ठीक है, एच सी एफ कितना हुआ आपका, 2 हुआ। अब आप एल सी एम निकालिए हर का। हर क्या है आपके पास में, 8, 5 और 4। ठीक है साथियों, 8, 5 और 4। ठीक है साथियों, देखिए इनका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम में क्या करेंगे आप, बड़े नंबर को लेंगे। ठीक है, बड़े नंबर को लेंगे, बड़े नंबर की गुणज निकालेंगे हम। देखिए पहला गुणज क्या होगा इसका, 8 × 16 और 8 = 24, 8 × 4 कितने होंगे, 32 और 8 × 5 = 40। ठीक है साथियों, यहाँ तक निकाल लिया हमने। देखिए अब चेक करते हैं, सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे। हमें देखना है कि क्या ये सभी नंबर 16 को काट रहे हैं, जी नहीं, सभी नंबर 16 को नहीं काटेंगे। 4 काट देगा, 8 भी काट देगा, लेकिन 5 नहीं काटेगा। ठीक है, 24 को चेक करते हैं, 24 में भी 5 नहीं काटेगा, 32 को भी 5 नहीं काटने वाला है। ऑप्शन सी आपके पास क्या है, 40, जो सभी नंबरों से कट रहा है, 8 से भी कटेगा, 5 से भी और 4 से भी। ठीक है साथियों, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप 40, इसको छोटा कर लीजिए काट कर, कितना आ जाएगा, 1/20। ये क्या हो गया आपका, एचसीएफ। ठीक है साथियों, आपका आंसर क्या था, जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था उसका आंसर था आपका 1/20, इसका एचसीएफ होगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए 5, 1/3, 4/7 तथा 9/14 का एच सी एफ ज्ञात करें। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, एच सी एफ। सबसे पहले एच सी एफ सीख देते हैं, एच सी एफ कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भिन्न है आपके पास, भिन्न क्या होती है दोस्तों, भिन्न होती है आपकी अंश बटे हर। ठीक है साथियों, अंश का क्या निकालेंगे आप, एच सी एफ, और हर का एल सी एफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके अंश में क्या है, 5 है, 1 है और आपका 4 है और 9 है। ठीक है साथियों, इसमें आपको क्या करना है, एच सी एफ निकालना है इनका।
सबसे छोटा नंबर की तलाश करें तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है साथियों, जिस भी संख्याओं में अगर एक हो और उसका HCF निकालना हो तो उसका HCF कितना हो जाएगा, एक ही उसका HCF आएगा। क्यों? क्योंकि केवल एक ही ऐसा नंबर होगा जो सभी को काटेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है अन्य जो सभी को काट दे, क्योंकि फिर एक आ जाएगा, एक को काटने के लिए सिर्फ एक ही चाहिए। ठीक है, तो आपका HCF कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। अब हर लेते हैं, हर में क्या है आपका, इसके बटे कुछ नहीं, तो इसके बटे क्या होगा, एक हो जाएगा। देखिए, एक, तीन, सात और 14। ठीक है साथियों, इसमें क्या करेंगे आप, सबसे बड़ा नंबर लेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा आपका, 14। ठीक है साथियों, 14 के क्या करेंगे, गुणज निकालेंगे हम। देखिए, 14 दूनी कितने होंगे, 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56। ठीक है, देखिए अब चेक करते हैं इसको। देखिए, सात से काटे तो 14 कट जाएगा, तीन से नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, सभी से कटना चाहिए इन नंबरों से आपका LCM। देखिए, 42 चेक करते हैं, 42 14 तिया 42 हो जाएगा, सात से भी कट जाएगा और तीन से भी कट जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपका LCM कितना आ जाएगा, 42। तो आपका HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/42। ठीक है साथियों, अगर आपको ऑक्शन से चेक करना था, देखिए ऑक्शन से अगर चेक करना था आपको, तो देखिए कैसे चेक करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, इसमें 2/42 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा HCF एक है। ठीक है साथियों, तो ये भी ऑप्शन कट जाता आपका। ठीक है, ऑप्शन दो को देखते, यानी बी को देखते, कैसे बी को चेक करते, HCF तो आपका सही है, अब बटे में क्या है आपका, LCM 28 है, चेक करते कि क्या ये सभी नंबरों से कट रहा है, ये तीन से नहीं कट रहा है। ठीक है साथियों, तो ये भी नहीं होता आपका, और 9/42 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि HCF आपका एक है, तो ऑप्शन बचता आपके पास डी, आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाता अगर ऐसे करना था। ठीक है, ये फॉर्मूला तब करें आप जब बेसिक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो, अच्छे से आता है। ठीक है, क्योंकि ये भी आना बहुत ज़रूरी है, ये मेथड आपको आना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। ठीक है साथियों, ये मेथड एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके, ऑप्शनल वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये आ रहा आपका, क्वेश्चन क्या है, 9/10, 12/25, 18/35 तथा 21/40 का HCF ज्ञात करें। ठीक है साथियों, आपको क्या करना है, यहाँ भी HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो अंश होता है उसका क्या निकालते हैं, HCF और हर का LCM। तो अंश में क्या है, नंबर चेक करिए, देखिए 8 है आपका, सॉरी दोस्तों 9 है, 12, 18 और 21। ठीक है, 9, 12, 18, 21 आपके पास नंबर है। सबसे पहले क्या लेंगे आप, सबसे पहला काम होगा आपका छोटे नंबर की तलाश करना। छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 9 है, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, चेक करते हैं, 3 से क्या सभी कट रहे हैं, 3 से 12 भी कट जाएगा आपका, 18 भी और 21 भी, और 9 भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपका HCF कितना आ जाएगा, 3। ठीक है साथियों, HCF क्या आ जाएगा, 3। ऑप्शन से बताऊं आपको, देखिए सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं जिनमें HCF आपका 3 है। ठीक है साथियों, तो ये भी कट जाएगा आपका और ये भी कट जाएगा, आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए, LCM निकालना है आपको किसका, 10, 25, 35 और 40 का। तो इन सभी का LCM क्या होगा, इन सभी नंबरों से जो हाईएस्ट नंबर है उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उससे भी ज़्यादा होगा, तो 5 तो इसका LCM हो ही नहीं सकता दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी आपका ये भी कट हो जाता है। तो ऑप्शन क्या बचता है आपके पास में, ऑप्शन सी बचता है। आप कहोगे सर करके दिखाए, अगर इनका LCM लेंगे, अगर इनका LCM लेंगे दोस्तों, देखिए 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 7 35, 5 8 40। अब कौन से नंबर से कट रहा है, देखिए 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 5 7 और 2 चौके 8। अब किसी नंबर से कोई नहीं कट रहा है, इन सब की गुणा कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 1400 आ जाएगा। ठीक है साथियों, आपका LCM यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1400 आएगा इन सभी की गुणा करने पर। LCM 1400 इसमें कहीं भी नहीं है, क्यों, ये जो है इसका गुणज है दोस्तों, ये भी 2820 का क्या है, एक गुणज है। ठीक है, इस वजह से इसका आपका आंसर जो होगा
3/2800 हो जाएगा। ठीक है साथियों, आंसर लगा लें आप, क्या है सी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, 2/3, 3/5, 4/6 तथा 4/27 का एलसीएम क्या होगा। इससे पहले हम क्या हल कर रहे थे दोस्तों, एचसीएफ निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे एलसीएम। चलिए एलसीएम को भी सीखते हैं कैसे निकालना है। देखिए भिन्न क्या होती है दोस्तों, भिन्न होती है आपकी अंश बटे में हर होता है, अंश बटे में हर। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों याद करना, क्यों, जब भी आपसे बोला जाए कि आपको एलसीएम निकालना है, आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि एलसीएम निकालना है। अंश का क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा, और हर का क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, यानी अंश का लह सह निकलेगा और हर का मह सह निकलेगा। ठीक है, देखिए आपके पास अंश में क्या क्या नंबर है, 2 है 3 है 4 है और 4 है। ठीक है साथियों, 2 बार 4। ठीक है, इसका क्या निकालें आप, एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़े नंबर को लेंगे हम, इसके गुणज देख लेते हैं। देखो दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के, वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन जो आसान तरीका है, अगर आपके पास नंबर छोटे हैं तो आसानी से निकाल लेते हैं हम इसका बड़े नंबर से, वरना फिर सिंपल सा मेथड है, आप ऐसे निकालेंगे जैसे छोटी कक्षाओं में निकालते थे। ठीक, देखिए 4 का पहाड़ा चलाइए यानी गुणज निकालिए इसके, एक गुणज क्या होगा इसका 8 होगा, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20। ठीक है साथियों, देखिए चेक करिए, सबसे छोटे नंबर को चेक करिए पहले, तो क्या इन सभी से ये भाग हो रहा है, 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो ये नहीं हो सकता। देखिए 12 को चेक करते हैं, 12 4 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, यानी आपका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है साथियों, एलसीएम तो 12 आ गया। अब हर का निकालते हैं हम एचसीएफ, हर क्या है हमारे पास 3, 5, 6 और 27। ठीक है साथियों, देखिए 3, 5, 6, 27, इसमें क्या लेंगे हम, सबसे छोटी नंबर को लेंगे, सबसे छोटे नंबर को लेंगे, क्या है यहाँ पे 3, इसके गुणनखंड देखे कितने हैं, 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3 है, क्या 3 से सभी नंबर कट रहे हैं, हम देख रहे हैं 3 से 3 भी कट जाएगा, लेकिन 5 ने कहा 6 27 भी कट जाएगा। अगर एक नंबर भी बच गए, सभी नंबर कटने चाहिए आपके एचसीएफ में, एचसीएफ वही संख्या होगी जो सभी नंबरों को काट दे या भाग कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं काट सकेगा, 1 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, क्या जाएगा 12/1। ठीक है साथियों, 12/1 क्या होगा आपका एचसीएफ। अगर किसी संख्या के बटे में 1 है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, उसको पूरा लिख देते हैं 12। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 12, ऑप्शन डी में बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगा आपको, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप दोस्तों। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अभी तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, आपका कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको लाल सा बटन दिख रहा होगा नीचे, उसको दबा दीजिए और ब्लैक कर दीजिए, उसके बाद आपके पास में बेल आइकन यानी घंटी सी बनकर आएगी, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। ठीक है साथियों, जैसे ही हमारी वीडियो डाली जाएगी चैनल पर, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका आंसर 12, ठीक है, ऑप्शन डी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको इन संख्याओं क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम को पता ही कैसे निकालते हैं आप, चलिए देखिए अंश में क्या है, 1 है 2 है 5 है और 4 है। ठीक है साथियों, इसमें क्या लेंगे हम एलसीएम निकालते वक्त, सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, इसके गुणज निकालेंगे कितने हो जाएंगे, 10 15 20 और 25। ठीक है, चेक करिए, सबसे पहले छोटे नंबर से चेक करेंगे आप, देखिए 4 से नहीं कटेगा ये, 5 से तो कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, सभी नंबरों से कटना चाहिए। देखिए 15 को देखते हैं, 15 भी 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 20 को चेक करते हैं, 20 4 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और आपका 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, 1 से तो कट ही जाएगा, तो इसके लिए आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब चेक करते हैं हम
हर को। हर में क्या क्या संख्या है आपकी, 3, 9, 6 और 27। ठीक है साथियों, इसका क्या लेना है आपको, HCF लेना है। HCF यानी मैस है। मैस है में क्या पकड़ते हैं हम, सबसे छोटे नंबर को पकड़ते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, 3 है। 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 1 और 3। देखिए सबसे पहले हम बड़े नंबर से चेक करते हैं HCF में, बहुत ध्यान से सुनना। HCF में हमेशा जो बड़ा गुणज होगा यानी बड़ा गुणनखंड होगा उसका, उसी से काट कर देखते हैं क्या सभी नंबर कट रहे हैं, भाग हो रहे हैं। देखिए 3 से देखते हैं तो 3 से सभी नंबर भाग हो जाएंगे, 3 भी हो जाएगा आपका, 9, 6, 27 सभी भाग हो जाएंगे। तो उसका HCF कितना हो जाएगा, 3, 20/3। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, समझ आ रहा होगा क्लास में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि HCF क्यों निकाल लें हर का, या अंश का LCM क्यों निकाल लें, ठीक है साथियों, तो इसके लिए आप पहली वाली जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से उसमें बताया गया है, तो आप वो जाकर देखें, उसमें आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे सभी के सभी डाउट। ठीक है साथियों, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 42, 63 और 140 का HCF ज्ञात करें। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, HCF ज्ञात करना है। आपके पास 3 नंबर हैं। ठीक है साथियों, देखिए HCF ज्ञात करेंगे हम, आपके पास 42 है, 63 है और 140 है। HCF में हमेशा क्या करेंगे, छोटा नंबर लेंगे हम। छोटा नंबर क्या है इनमें, 42। इसके गुणनखंड यानी टुकड़े कीजिए। देखिए गुणनखंड करते हैं तो उसके क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 2 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 2 से काटेंगे 28 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है साथियों, अब क्या, यहाँ पे 21 आएगा, सॉरी दोस्तों इसको 2 से काटेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे, 6 से 42। ठीक है साथियों, चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर से शुरू करें आप। क्या करें, बड़े नंबर से शुरू करें, इसमें 21 से शुरू कर रहे हैं। देखिए 21 से क्या है, सभी नंबर कट रहे हैं। देखिए 42 भी कट जाएगा आपका, 63 कट जाएगा, 140 नहीं कटेगा। ठीक है साथियों, चलिए आपको ऑप्शन से बताता हूँ, आप इसको छोड़िए। ठीक है, ऑप्शन से बताता हूँ आपको। देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इससे भी बता दूंगा मैं आपको। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन क्या आपके पास, 14। क्या 14 है, इन सभी नंबरों को काट रहा है। देखिए 14 3 42 63 नहीं कटेगा, 140 कट जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, 9 से देखते हैं, 9 से ये भी नहीं कटेगा आपका 42, तो पहले ही गलत हो गया, सभी नंबर कटने चाहिए। ठीक है साथियों, 21 से देख लेते हैं, 21 से आपका 42 कट जाएगा, 63 कट जाएगा, लेकिन ये आपका 140 नहीं कटेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो अब चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी बचा है, यही राइट होगा। यहाँ भी चेक करा देता हूँ आपको, आप कहोगे यहाँ पे नहीं करा। देखिए 21 से काट कर देखते हैं, इस सेम कंडीशन बनती है जैसे वहाँ पे बनी, 42 कट जाएगा, 63 कट जाएगा, 140 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 14 से देखते हैं, 14 से आपका 42 कट जाएगा, 140 कट जाएगा, 63 नहीं कटेगा, और 7 से ही सभी नंबर भाग हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इसलिए आपका HCF क्या आ जाएगा, आपका HCF होगा कितना, 7। ठीक है साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन डी में। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 4/9 तथा 6/13 का HCF क्या होगा। ठीक है साथियों, ये आपको ज्ञात करना है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जल्दी से क्या ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगती है। ठीक है साथियों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।